सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष नामदेव और हमारे इस नए YouTube वीडियो ट्रेवल्स लाइफ आशीष ब्लॉग के एक नया वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का ये वीडियो जो दोस्तों हमारा ये राम मंदिर के लिए होगा। राम मंदिर है सामने में जो दिख रहा है, ये राम मंदिर है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ से क्या है, अंधेरा वाला फेस आ रहा है, उतना ज़्यादा क्लियरिटी फोटो में नहीं आ पा रहा है। यहाँ से आ रहा है, ये सामने में है मेरे राम मंदिर जो है। दोस्तों राम मंदिर जो है VIP रोड में है, VIP रोड रायपुर में। और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको सामने में, यहाँ से जो गाड़ी निकल रही है, ये नया रायपुर का रास्ता है, एयरपोर्ट का रास्ता है सीधा सीधा। और इसके आइट साइड में जो है मैग्नेटो मॉल भी पड़ती है। सो दोस्तों यहाँ आने के बाद पता चला कि राम मंदिर जो है अभी बंद है, अभी हाल ही में बंद है। अभी समय हो चुका है 2 बजे है और ये खुलेगा दोस्तों 3:30 बजे लगभग, दोपहर के बाद ही खुलेगा, आप लोग देख लीजिए। और 3:30 बजे के बाद भी जिसको आना है वो आ सकते हैं। ऐसे टाइम में दोस्तों अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो इस समय भी मंदिर बंद रहती है। तो मंदिर के बारे में बहुत सारे कुछ चीज़ है बताने के और जानने का, तो मंदिर खुलने के बाद फिर चलते हैं अंदर। उसके बाद अभी कुछ समय 1-1.5 घंटा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आ चुके हैं तो वीडियो बना के ही चलना है। सो थोड़ा 1-1.5 घंटा वेट करते हैं, उसके बाद मैं मंदिर के आपको अंदर लेके चलता हूँ। बाकी सामने से दिख रहा है छोटा सा, लेकिन अंदर जाके बहुत बड़ा है मंदिर जो है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा बना है, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों यह है एंट्री गेट राम मंदिर का और यहीं से एंट्री लेना होगा, यहीं से अंदर आना होगा। और ये सामने में कुछ गार्डन वार्डन मिल जाता है। ये बहुत बड़ा राम मंदिर का सामने का फ्रंट, इस साइड भी है गार्डन ही गार्डन है। ये सामने में कुछ फवारा वगैरह लगा है, जो इसमें कुछ क्या बोलते हैं, ये फवारा भी चलता है इसमें रंगीन वाला, रात को जो नाइट में जो देखने को मिलता है इसमें। और ये दान पत्र सामने में ही, वो स्वामी तुलसीदास जी की यहाँ पे मूर्ति लगी दी हुई है। तो चलिए फिर अब अंदर हम लोग घुसते हैं। VIP मार्ग की ओर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े। तो दोस्तों यह है राम मंदिर और काफ़ी बड़ा है और कुछ नया डिज़ाइन टाइप का बना हुआ है, बहुत बढ़िया। और यह रहा सामने में राम मंदिर, वहाँ पे मूर्ति है राम जी की। और यहाँ दोस्तों कैमरे में जो है कैमरा अलाउड नहीं है, तो जैसे तैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस ले रहा हूँ, फ़ोन से ही ले रहा हूँ अपने Oppo F1S। कैमरा अलाउड नहीं है और इसमें थोड़ा जो है वाइट फेसनेस आ जाती है, ख़राब आता है इसमें कैमरा, फिर भी इसमें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। और देख सकते हैं पूरा ऊपर भी देखिए, बड़ा अच्छा तरह से बना हुआ है। ये देखो मोबाइल में कैसे आता है कैमरा। और यहाँ पे बड़ा सा तबला रखा हुआ है। यहाँ पीछे पे राम जी की मूर्ति के पीछे में गणेश भगवान का मूर्ति लगा हुआ है।
तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मूर्ति है खाली इसमें अभी। और तो कुछ यही सीन है, देख सकते हैं आप। अभी वहाँ से चालू होता है राम मंदिर का जो है, और यहाँ तक चल रहा दाएं मुड़े वीआईपी मार्केट, फिर बाएं मुड़े, वहाँ भी कुछ चल रहा है। और और यहाँ एक और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये जैसे मंदिर है सामने में, राम जी की मंदिर है, मूर्ति है, उसी के जस्ट सामने में ये हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। एकदम सामने में दिखेगा नहीं ये, और ये सामने में हनुमान जी की मूर्ति जो है इसमें लगी हुई है, राम मंदिर के जस्ट सामने में। वीआईपी मार्केट दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े। मेरे एक दोस्त है ये नुहर साहू, ये दोनों करके आए हुए हैं। और तो कुछ है नहीं अभी, कुछ नहीं है। So, दोस्तों मंदिर अभी बिल्कुल खाली खाली है एकदम सा, और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो ज़्यादा कोई लोग आ नहीं रहे। और यार अभी कैमरा वगैरह भी अलाउड नहीं है, और फोन वोन फोटो वोटो खींचना भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मैं जो है इसमें फ़ोटो वोटो वगैरह वीडियोस ले लिया। एक गार्ड भी है, वो बोले थे एक बार समझा दिए थे कि फ़ोटो वोटो लेना नहीं है। सो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और यहाँ पे पूरा खाली खाली है, और धूप भी लगी हुई है। तो चलो फिर भाई निकलते हैं, और इस ब्लॉग वीडियो को यार यहीं ख़त्म करते हैं। और जब जब रहेगा लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो भीड़ काफ़ी रहेगी यहाँ पे, तो उस टाइम जो है वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी एकदम खाली खाली है।
प्रसाद वरसाद भी यहाँ वितरण होते हैं। सो दोस्तों, इस ब्लॉग वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और यार अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, बिल्कुल खाली खाली है राम मंदिर जो है। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और जब लोगों का अफरा तफरी चालू हो जाएगा ना, उस समय वीडियो बनाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर रहे। अभी उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा है, तो इस मतलब अगले ब्लॉग बनाऊंगा इसी के ऊपर जब लॉकडाउन ख़त्म होगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।